प्रयोग की ओर बढ़ने से पहले चलो रासायनिक विस्थापन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक तत्वों को एक नए यौगिक में बनाने के लिए विस्थापन की प्रक्रिया। प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण क्वथन स्पैचुला बंसन बर्नर परख नली होल्डर कॉपर सल्फेट एवं जस्ता जिंक धातु। दोस्तों एक स्वच्छ क्वथन परख नली ले। अब परख नली को परख नली होल्डर में इस तरह व्यवस्थित करें। दोस्तों अब परख नली में स्पैचुला की मदद से कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट डालें। और परख नली में थोड़ी मात्रा में जस्ता जिंक धातु डालें। हे ये गर्म होने का समय है। बंसन बर्नर को इस तरह व्यवस्थित करें। अब बंसन बर्नर को ज्वलित करें। दोस्तों परख नली को बंसन लौ पर गर्म करें। दोस्तों इसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। जिंक जस्ते के लगातार घुलने के कारण नीला रंग हल्का हो रहा है, सही है ना? निरीक्षण परिवर्तन जिनका हमने यहाँ निरीक्षण किया वह कॉपर सल्फेट के रंग में परिवर्तन है। यह इस कारण होता है क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर रंगहीन जिंक सल्फेट का निर्माण करता है।